मैंने स्टार्ट किया हूँ, होने से बताना। हो गया सर। ओके सर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। तो सर, इनकम टैक्स क्लास है और आज हम लोग इनकम टैक्स क्लास में क्या बात करने वाले हैं सर? कल का क्लास को कंटिन्यूएशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। कल हम लोग TDS, TCS और एडवांस टैक्स के बारे में डिस्कस करना चालू किया था, है ना? तो आज भी करेंगे, लेकिन जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि कल मैं आपको TDS, TCS, एडवांस टैक्स का एक्चुअली मेनली TDS में ही बात हुआ था कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और इसके बारे में ही चर्चा हुआ था, और बाकी एडवांस टैक्स और TCS के बारे में मैंने सिर्फ आप लोगों को सेक्शन का थोड़ा सा आइडिया दिया। बाकी TDS रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए, जिससे आपको ये आइडिया लग गया कि किस तरह से TDS का कैलकुलेशंस होता है या फिर डिडक्शंस कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता। लेकिन अभी भी बहुत सारा चर्चा करना TDS, TCS में, एडवांस टैक्स में बाकी है। लेकिन आज मैं आपको जो सोच रहा था सर, कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ था सर, वो संपद ने बाद में उसको मेरे को ठीक करके दिया और सही किया। चौथा भी सिमिलर पैटर्न पे कर रहा था, बट आंसर कैसे नहीं कर गए, मैच नहीं कर रहा था। तो जिन लोगों ने कर लिया, मैं उनको बस इतना बोलूँगा कि आप लोग चेक कर लिए ना, वो 28,000 वाला जो केस था। हेलो, यस सर, आप भेजा था। ओके सर, ठीक है, वो 28,000 वाला जो केस है, वही वाला केस के बारे में बात कर रहा था कि वो आंसर सही था सर। ठीक है, वो आंसर सही था। तो अब मैं बोल रहा था ना बार बार कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो कल पता नहीं क्या हो रहा था, आंसर हम लोगों से नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में जैसे ही क्लास खत्म हुआ, संपद ने बोला सर ऐसा होगा, और उससे पहले तौथा मेरे को सही बोला, लेकिन तौथा का आंसर नहीं आ रहा। तो चलो सर, कोई बात नहीं, मैंने किसी को लिंक शेयर करना भूल गया क्या? स्नेहेश ज्वाइन करे सर? ना सर। नाम पार्टी है, ठीक है सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलो, आज मैं आपको, जैसे कि आपको लास्ट दिन बोला था कि आपको मैं पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। कंप्लीट क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको सारा का सारा हेड का आइडिया लग जाएगा, ठीक है? ऑल हेड्स, जैसे कि आपको एक मतलब बिजनेस प्रोफेशंस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ठीक है? सैलरी तो देखो, अगर बीपी होगा तो सैलरी नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है? तो बीपी सैलरी के साथ एडजस्टमेंट इस तरह से तो नहीं होता है, या तो सैलरी आएगा या तो बीपी आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको बीपी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी आएगा, कैपिटल गेन आएगा, अदर सोर्स आएगा, ठीक है? तो सारा का सारा हेड्स ऑफ इनकम देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि TDS एडवांस टैक्स जब क्वेश्चंस के अंदर रहता है, उसको आप किस तरह से एडजस्ट करोगे और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करोगे। सर, ये आज का क्लास आपको एक कंप्लीट कंप्लीट आइडिया देगा सर, ठीक है? मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक ओवरऑल आइडिया आपको महसूस होगा, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इससे आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप ये जो क्लास में आज मैं आपको कराऊंगा, इसमें आपको एक कंप्लीट आइडिया जनरेट होगा और जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? और TDS, TCS का जो कल के क्लास में जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, उसका भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो ठीक है, तो फिर देरी किस बात की। चलो अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जो स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार बताना सर। अच्छा सर, एक सेकंड, प्रॉब्लम हो गया इसमें।
कल का टीडीएस टीसीएस का लेक्चर जो हुआ है, वैसे तो टीडीएस टीसीएस में अभी भी बाकी है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी डिटेल्स है, लेकिन कल का क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज़ एक बार टीडीएस टीसीएस का क्लास कर लीजिएगा, आपको टीडीएस टीसीएस का आइडिया लगना चालू हो जाएगा। सर अभी देखिए स्क्रीन शेयर है कि नहीं, है है सर। ना? ओके ठीक है सर, लेकिन ये बोर्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली जो मैं आपको बताऊंगा अभी वो है आपका टी डी एस टी सी एस का कैलकुलेशन का एक इस्तेमाल दिखाऊंगा और टोटल इनकम भी बताऊंगा। जैसे कल के क्लास में मैं आपको ये चालू किया था कि किस तरह से हमारे इनकम टैक्स के अंदर आपके सामने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। कॉन्सेप्ट इज एडवांस टैक्स की, टी डी एस की, टी सी एस की, ठीक है? तो उसको आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू से कराते हैं, ठीक है? और आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू भी आपको मिल जाएगा कि टोटल इनकम कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक क्वेश्चन किया, मतलब रेडी किया, ये क्वेश्चन करो और कुछ क्वेश्चन घर पे लिए भी, मतलब होमवर्क के तौर पे भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे ये क्वेश्चन 4 आप घर पे ट्राई कीजिएगा मिस्टर वाई का, और ये पूर्वी जी का क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अभी घर पे, मतलब यहाँ पर क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्या आप सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सर, ये सबसे पहले मुझे बताइए। सर ओके सर। ज्योति गुड मॉर्निंग, और क्वेश्चन करना चालू करो। ज्योति आवाज आ रहा है? ज्योति मेरा यस सर। ठीक है सर, मैं बस अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया, अभी भी कुछ नहीं बताया, जस्ट बता रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो मिस पूर्वी, मिस है कि मिसेस है? मिस है क्या? एम एस क्या होता है? मिस है, मिस है, एम मिस। आर एस होता है ना, मिसेज। अच्छा हाँ ठीक सर। तो पूर्वी जी 55 ईयर्स के हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है? सुनिएगा ठीक से, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेशनल्स है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे ही प्रोफेशनल्स है, मतलब आपके दिमाग में बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हो सकते हैं, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर भी हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल्स वो हो सकते हैं, प्रैक्टिसिंग टीचर हो सकते हैं। जब भी बात प्रोफेशंस की आता है तो पूर्वी जी 55 ईयर्स के हैं, एज इज इम्पॉर्टेंट टैक्स कैलकुलेशंस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मेंटेन्स आर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, या पॉइंट को नोट करते जाऊंगा, जब भी क्वेश्चन में कैश बेसिस देखोगे तो कैश बेसिस मतलब ड्यू बेसिस नहीं है, दो कॉन्सेप्ट में अकाउंट्स कंट्रोल होता है हमारे इंडिया में, इवन नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंट्स कॉन्सेप्ट मतलब मेंटेन करने का दो तरीका होता है, वन इज एक्रुअल बेसिस और अनदर इज कैश बेसिस, कैश बेसिस। है ना? एक्रुअल मतलब ड्यू बेसिस, मतलब जो पैसा आने वाला है, जो पैसा आने वाला है उसे भी हम काउंट करते हैं, ठीक है? और कैश बेसिस में क्या होता है, जब भी आता है हम उसका एंट्री करते हैं, मतलब रिसीव करने से ही एंट्री होता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर
मिसेस पूर्वी जी जो है वो कैश बेसिस में ही अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने है, मतलब देखो सर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। पूर्वी जी आपके पास आए और आपको बताना चाहते हैं कि मेरा ये सिचुएशंस है और आप मेरे को ये अकाउंट्स बना के दीजिए मेरा, ठीक है, मेरा टैक्स कंसल्टिंग करके दीजिए। तो आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए सी ए, एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटिंग, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, किसी भी प्रोफेशनल्स का हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों में बीपी जिन लोगों ने करके आया, बीपी में ये सब चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, रिविजन्स कर लो अभी। तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का डेटा आपके सामने गिवन है, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला सर, आपको बताया गया है सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ की सैलरी 15,50,000 का है, मतलब ये एक्सपेंडिचर इनकम है ना। प्रोफेशनल्स का अकाउंट जो है ना वो इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जैसे बिजनेस क्या करते हैं, टीएल मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मेंटेन करते हैं, ठीक है, ये एक तरीका होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने गिवन है कि मेरा ये इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। सर याद है ना बीपी का कैलकुलेशन करने का बिजनेस एंड प्रोफेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, याद है आप लोगों को, कि इसका जो नेट प्रॉफिट होता है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट को, अरे बताओ सर भूल गए क्या, बीपी जिन लोगों ने करके रखा, जिन्होंने नहीं किया ठीक है, लेकिन जिन्होंने किया मैक्सिमम करके रखा, मुझे जितना पता, नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा ना सर, नेट प्रॉफिट जो डिप्रिसिएशन, हाँ डिप्रिसिएशन भी है, ठीक है, मतलब इस प्रॉफिट, ये जो अकाउंट्स आपके सामने है ना, ये जो अकाउंट्स इनकम एक्सपेंडिचर का जो हिसाब या अकाउंटेंसी जो आपके सामने गिवन है, इसके अंदर काफी सारा क्या रहता है, काफी सारा हिसाब में गड़बड़ भी होता है, तो आपको वो पहचानना होगा, मतलब बेसिकली पहचान कौन, ठीक है, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या सारा का सारा इनकम और एक्सपेंडिचर बिजनेस में जाने के लायक है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है मतलब जो अलाउड है उसको टच नहीं करना है। इसका हिसाब मैंने आप लोगों को बीपी में करा के रखता हूँ, जो लोग बीपी पहले किए हो, जो नहीं किए वो बाद में जब बीपी करेगा तो समझ आ जाएगा, आज एक रफ आइडिया तो पूरा लेके ही जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है सर, बिजनेस का बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन का बात कर रहा हूँ। बीपी में अलाउड एक्सपेंस और अलाउड इनकम को क्या करना पड़ता है, डू नॉट टच करना पड़ता है। जो इनकम एक्सपेंसेस अलाउड है बीपी में वो दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन शो कर सकते हैं, उसको टच नहीं करना है, ठीक है, अलाउड डू नॉट टच। ये बात मैं बार बार करता हूँ जब भी बीपी कैलकुलेशन कराता हूँ आपको। तो सर यहाँ पर आज क्या बात है, सर कुछ नहीं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या मिसेस मतलब पूर्वी जी, मिस पूर्वी जी क्या अपने स्टाफ को जो सैलरी देता है वो इनका परमिसेबल खर्चा है सर, बिजनेस प्रोफेशंस में स्टाफ को सैलरी देना परमिसेबल खर्चा है? बिल्कुल है ना सर। सर हम अपने बिजनेस में प्रोफेशंस में जिन स्टाफ को रखेंगे उसको जो खर्चा सैलरी देंगे वो मेरे बिजनेस का एकदम हार्डकोर एक्सपेंसेस है, और वो तो मैं पूरा हक से दे दूंगा, हक से उस एक्सपेंस को मैं डिडक्ट कर सकता हूँ। आर्टिकल्स टाइप, आर्टिकल्स असिस्टेंट, ठीक है, सीएससीएस सीएमए फार्म में आर्टिकल्स होते हैं सर, आर्टिकल ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग को जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है दैट इज ऑल्सो एकदम, वो सब आपको आगे आगे आइडेंटिफाई करना है, बाकी सारा चीज़ें भी। सर आर्टिकल असिस्टेंट को 13,000 का इंसेंटिव दिया गया, अब आपको देखना है कि क्या ये इंसेंटिव माइनस मतलब क्या वैलिड है या नहीं, ठीक है, इंसेंटिव देखे क्या आप उसको खर्चा दिखा सकते हैं। अच्छा पूर्वी जी ने ऑफिस रेंट दिया 12,24,000 का, पूर्वी जी ने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया 12,22,000 का, ठीक है सर, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मतलब ये एकदम रियल लाइफ फीलिंग्स के साथ करना है आपको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,22,000 का है, मीटिंग सेमिनार एंड कन्फ्रेंस, ठीक है, सेमिनार एंड कन्फ्रेंस में मीटिंग किया उसके लिए 31,600 का खर्चा किया पूर्वी जी ने। परचेस ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज, सर एक गाड़ी खरीदा ऑफिशियल यूज के लिए, मतलब बिजनेस पर्पज में ही कार को यूज करेगा, जिसका खर्चा है मतलब कार का दाम है 80,000। सर क्या ये 80,000 शो कर सकता है इसे एक्सपेंस के तौर पे? अरे बोलो सर,
थैंक यू सर। कार का डेप्रिसिएशन आ सकता है, कार का दाम तो कभी नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर घोटाला हो गया है ना, यहाँ पर घोटाला हो गया सर, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट को जरूरत से ज्यादा कम कर दिया गया। आप कभी भी फिक्स एसेट्स को डायरेक्टली पीएल में या इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज नहीं कर सकते, आप उसका डिप्रिसिएशन दिखा सकते। ये तरीका तो अकाउंटेंसी में आप लोग बचपन से सीखते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस 4000 का है, अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,25,000 का है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000 का है। क्या ये बीपी में जाने लायक खर्चा दिख रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स जो हाउस प्रॉपर्टी का? क्या ये बिजनेस प्रोफेशन पे जा सकता है? इसको लेके देखना पड़ेगा। और क्या है, चलो देखते हैं इनकम क्या किया कि इन्होंने। सर चार्टर्ड है, सबसे ज्यादा इनकम तो चार्टर्ड वाले ऑडिट करके ही करते हैं, तो ऑडिट से ऑलमोस्ट 27,88,000 एनुअल इनकम किया। टैक्सेशन सर्विस भी देते हैं, 15,40,300 का इनकम टैक्सेशन सर्विस दिया। कंसल्टेंसी किया 12,70,000 का, अलग अलग बिजनेस एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी, बिकॉज चार्टर्ड को एक ओवर हर चीज में नॉलेज होता है, ठीक है, तो मतलब बिजनेस रिलेटेड एनी मैटर में दे कैन कंसल्ट। ओके, तो कंसल्टेंसी चार्जेस जो है 12,70,000 का है, कुल मिला के 55,98,300 का इन्होंने फीस लिया। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इंडियन कंपनी, ग्रॉस है ये, ठीक है, मतलब नेट करना पड़ेगा आपको। 10,524 का डिविडेंड अर्निंग किया इंडियन कंपनी से। क्या ये इनका बिजनेस इनकम में आ सकता है? डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम में क्या करेगा सर, ये तो अदर सोर्स इनकम हो जाएगा ना। हेलो अरे हाँ ना बोलो, ये सर नो, डिविडेंड इनकम बिजनेस में क्या करेगा प्रोफेशन में? नहीं समझ आ रहा है सर। सर डिविडेंड इनकम आप लोग अदर सोर्स पढ़े हो ना, कुछ ही दिन पहले अदर सोर्स भी पढ़ा है, और ऐसे भी यूटीआई भी नहीं आएगा, ठीक है, यूटीआई भी नहीं आएगा, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके थ्रू से जो आपको यूनिट का जो इनकम होता है वो वहाँ से भी आपको नहीं आएगा। सर ऑनोरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं एज ए प्रोफेशनल्स, क्या रीजन हो सकता है, आंसर पेपर चेक करना वगैरह ये सब काम दिया जाता है। 15,800 आपको वहाँ से इनकम हुआ है, ये भी आपका अदर सोर्स इनकम है सर, ये आपका प्रोफेशनल इनकम नहीं है, आपका प्रोफेशनल इनकम ये सब है, ऑडिट का काम, टैक्स का काम, कंसल्टेंसी का काम, ये आपका मेन काम है, ठीक है, बाकी जो है वो आपका अदर सोर्स में जा रहा है सर। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट, आपका एक रेसिडेंशियल फ्लैट है उसको आपने रेंट पे दे दिया, उसे भी आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के इनकम पे शो कर दिया 85,600 पे। तो क्या लगता है ये इनकम भी आएगा क्या प्रोफेशनल इनकम में? बोलो सर। ना सर। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इनकम आएगा और कौन सा इनकम नहीं आएगा, और फिर आपको पीएल को क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। ये जो आपका नेट प्रॉफिट है ना सर, इसको क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफाई योर नेट प्रॉफिट, इसको रेक्टिफाई करने से ही आपका बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम सामने आ जाएगा, और यही आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करने का मेन काम है। अच्छा सर बिजनेस प्रोफेशन छोड़ गए, क्या इनका कोई दूसरा इनकम है? ऑब्वियसली वो तो दिखाई दिया ना, जैसे अदर सोर्स इनकम भी है इनका, है ना, ये तो दिखाई दिया क्वेश्चन के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का भी डिटेल्स मिला है इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, तो उसे भी देखना पड़ेगा, मतलब इसका अलग सोर्स का इनकम है तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या वर्किंग दिखाना पड़ेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन रहता है, अब यहाँ से चेक कर लो कि क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आप इसको क्या कर सकते हो। सर अलाउबल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15% गिवन है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500, मतलब आप अपने क्लाइंट को आप एडवाइजरी करते हो, क्लाइंट का रेगुलर बेसिस में हिसाब किताब देखते हो, तो क्लाइंट ने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, बेनिफिट रिसीव किया अपने क्लाइंट से, अपने प्रोफेशन के दौरान क्लाइंट ने आपको कुछ गिफ्ट के तौर पर दिया, ठीक है,
कि आप मेरा इतना हेल्प करते हैं तो मेरे तरफ से गिफ्ट आपको 10,500 का गिफ्ट मिल गया क्लाइंट से, सर टैक्सेबल है बिल्कुल। अच्छा, इंसेंटिव्स टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू टू आर्टिकल असिस्टेंट को उन्होंने गिफ्ट इंसेंटिव्स दिया जिन्होंने सीए इंटर या आईपीसीसी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया बोल के एक इंसेंटिव की तरह दिया। तो क्या ये अलाउड एक्सपेंडिचर है? ये आपको वीपी में पढ़ाया था मैं कि अगर कोई स्टूडेंट को या आर्टिकल्स को, ठीक है, या फिर किसी भी तरह के ट्रेनिंग को डेवलपमेंट के लिए या फिर उनको गिफ्ट दिया जाता है तो क्या होता है, सेक्शन 37 में पढ़ाया था अगर आपको याद है तो। ठीक है, मैं अभी फिर से डिस्कस कर लूँगा, डोंट वरी। अच्छा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 2021 to 30 सितंबर 2022। सैलरी में इंक्लूड है 30,000 टू ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, जो 30,000 का सैलरी आप दे रहे हो उसमें सैलरी के अंदर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को भी आपने पेमेंट किया, बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, कैश में पेमेंट किया आपने, कैश पेमेंट किया। और आपको पता है कैश पेमेंट होने से क्या रेस्ट्रिक्शंस लगता है, फॉर असिस्टिंग मिसेस पूर्वी मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट, बट आपने पेमेंट जो किया 30,000 का पेमेंट कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को कैश में किया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ 32,000 विच वॉज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स, चलो आरबीआई के हिसाब से हुआ। सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया सर ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑनर अमाउंट टू 5,000, मतलब डिपेंडेंट ब्रदर जो है 5,000 का उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस किया और मेजर सन के लिए जो किया 10,000 में किया, और इंटरेस्टिंग बात है दोनों ही कैश में किया। सर इसमें आपको देखना पड़ेगा 80C से 80U का सेक्शन लागू होता है कि नहीं होता है, और अगर लागू होता है तो डिडक्शन ले लीजिएगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगेन अनदर इन्वेस्टमेंट है, ये भी डिडक्शंस पे आप शो कर सकते हो। सी हैज पेड, इंटरेस्टिंग पार्ट सर, सी हैज पेड 70,000 टुवर्ड्स एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। सर मैं कल से आपको एडवांस टैक्स TDS TCS के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने 21-22 में 70,000 का एडवांस टैक्स पेमेंट किया। सर 21-22 प्रीवियस ईयर में जो एडवांस टैक्स उन्होंने पेमेंट किया, 22-23 असेसमेंट ईयर में इस एडवांस टैक्स का क्या करोगे? बिकॉज आपको जो इनका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है मिस पूर्वी का, वो 22-23 के लिए करना है। अब पॉइंट इज दैट 22-23 असेसमेंट ईयर में 70,000 एडवांस टैक्स का क्या करें, ये आपको समझना होगा जो मुझे आपको बताना है आज। ऐसे तो पूरा क्वेश्चन ही कराऊंगा, बट इसमें एडवांस टैक्स का क्या जगह है आपको, जैसे कि कल हम लोगों ने एडवांस टैक्स TDS TCS का चर्चा चालू किया है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया लगेगा। जैसे मैं कल आपको ये तीनों चीज आपके सामने में डिस्कस किया, पूरा नहीं डिस्कस किया सर, कुछ सेक्शन मैंने TDS का चर्चा कर पाए आपके साथ, बाकी चर्चा जारी रहेगा अगले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन माय पॉइंट इज दैट ये एडवांस टैक्स, ये TDS, ठीक है, और ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मतलब TCS जब भी क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, अगर सिचुएशंस में रहता है तो उसको किस तरह से इनकम टैक्स ट्रीट करता है, यू हैव टू नो दिस। ठीक है, अच्छा सर इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो क्वेश्चन अभी मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एडवांस टैक्स तो नजर आया, क्या कहीं पर भी आपको डिविडेंड TDS नजर आया? सर नजर में नहीं आता है, एक गाना है बोलते नजर में रहते हो फिर नजर नहीं आते, भगवान का गाना है सर, नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते, ये देखो नजर में लाना जरूरी है सर। ये लुक एट दिस, ग्रॉस है डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी, ग्रॉस है, इसका मतलब टैक्स निकालने के बाद, मतलब TDS निकालने के बाद नेट हो जाएगा। सिमिलरली इनकम फ्रॉम UTI भी ग्रॉस है, इसका मतलब TDS निकालने के बाद ये भी नेट हो जाएगा, इसका मतलब TDS है सर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोला पर आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रहा क्वेश्चन। तो पूर्वी जी का आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए, बोलो सर रेडी होगी नहीं?
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो? समझ में आया क्वेश्चन? मतलब पूर्वी जी का कंडीशंस आप लोगों के सामने क्लियर है कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। प्लीज टेल मी सर। चलो बताओ सर थोड़ा सा मुझे, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया कि करना क्या है? हाँ सर। ओके सर। अब चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग काफी सारा वर्किंग करेंगे, ठीक है, और काफी सारा नोट भी बताएंगे आपको, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन का एक ओवरऑल आइडिया लग जाए और हर मैटर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग कर लेते हैं, हेडिंग कर लो सर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ध्यान से पूरा क्वेश्चन कीजिए, आपको इनकम टैक्स का इतना दिन से आप लोगों ने जो भी इनकम टैक्स पढ़े जा रहे हो, आपको इसका पूरा एक मतलब उसे बोलते हैं ना, मतलब जस्टिफिकेशन मिलेगा कि अच्छा तभी इतना सारा अलग अलग हेड्स पढ़ना, इतना सारा इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज रखना, ठीक है, तभी ज़रूरी होता है। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, और इसमें हमें अभी इलस्ट्रेशन जो सॉरी क्वेश्चन थ्री जो है, ठीक है, मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चन थ्री के हिसाब से दिया, बाकी एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन फोर जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए अभी रेडी करके रखा, आपको दे दूंगा। तो क्वेश्चन थ्री का सोल्यूशन करते हैं, और आप पूरा इनकम टैक्स को एक बार ऐसे बोल सकते हो कि गो थ्रू कर लेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन हेडिंग क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर क्या है, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 है क्या, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है 21-22, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब आगे क्या करना है सर, इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोफार्मा बना लेते हैं सर, जिस प्रोफार्मा के अंदर हमें सारा आंसर मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो और रुपीस का दो अमाउंट का घर बना लो, हेल्प होगा, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलर में हमें क्या क्या इनकम है वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। हमारा काम क्या रहेगा, इनकम फाइंड आउट करना कि भाई कौन से सोर्स से क्या क्या इनकम हुआ है, तभी तो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके क्वेश्चन में बोला है ना। क्वेश्चन हमें क्या बोला, क्वेश्चन हमें बोला कि आप इनकम टैक्स निकालो एंड टैक्स पेबल भी निकालो, मतलब इस बंदे को मतलब पूर्वी जी को कितना इनकम टैक्स हुआ है और कितना पूर्वी जी को टैक्स पे करना चाहिए सरकार के घर में 22-23 असेसमेंट ईयर में, ये आपको पूरा बताना है। तो सुनो सर ध्यान से, ऐसे मैं सबसे पहले काम करता हूँ, जो भी सोर्स है इनका मैं उसको थोड़ा सा हेडिंग कर देता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर पूर्वी जी का हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिल्कुल है सर पूर्वी जी का। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है पता नहीं अभी सर, वर्किंग करना पड़ेगा। अच्छा, पूर्वी जी का और क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सर इसका भी पता नहीं, ये तो सबसे बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, इसको वर्किंग नोट टू में कर लेंगे कि कितना बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है पूर्वी जी का। और बिजनेस प्रोफेशन का इनकम कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है पीएल को रेक्टिफाई करना, बिकॉज पीएल के अंदर ऐसा ऐसा इनकम और एक्सपेंस दिया है जो बिजनेस और प्रोफेशन पे शूट नहीं करता। बिजनेस प्रोफेशन में ऐसा ऐसा इनकम गिवेन है सर जो बिजनेस प्रोफेशन को सूट नहीं करता, है ना, जैसे आपको मैं बताया, ठीक है, जैसे गाड़ी का खर्चा,
कुछ ऐसे ऐसे इनकम जैसे डिविडेंड इनकम, जैसे अदर सोर्स इनकम, ऐसा ऐसा इनकम, ऐसा ऐसा एक्सपेंस इसके अंदर गिवन है जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस के इनकम को सूट नहीं करता, तो उसको रेक्टिफाई करना है। ज़्यादा नॉलेज और डिटेल्स के लिए आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्लास को गो थ्रू कर सकते हो फिर से एक बार, और जिन लोगों ने नहीं किया वो फ्रेशली एक बार फिर से बिजनेस प्रोफेशन में लाइव में भी कराऊंगा और रिकॉर्डेड भी शेयर कर लूंगा, आप कर लेना। ठीक है, सारा का सारा हेड का ही बात कर रहा हूँ, अगर किसी का कुछ भी हेड मिस है वो या तो फ्रेशली कर ले या तो रिकॉर्ड रिविजन कर ले, इतना मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस वर्किंग नोट 2 के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना बिजनेस प्रोफेशन से इनकम इनकम है, और आपको भी वही करना है। सर और क्या हेड है यहाँ पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना। सर आपको देखिए ये सब सोर्स तो हमें ऐसे ही नजर आ गया था कि इसका मतलब हमारे इस पूर्वी जी का सैलरी इनकम और कैपिटल गेन इनकम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, सारा क्वेश्चन पढ़े लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये तीनों चीज दिखाई दिया, एक हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा बिजनेस प्रोफेशन, तीसरा अदर सोर्स। तो अदर सोर्स का कैलकुलेशन वर्किंग नोट 3 में करेंगे। ठीक है, योर वर्किंग इज योर पार्ट ऑफ योर आंसर सर। तो वर्किंग्स को, वर्किंग से ही तो एक्चुअली जवाब मिलता है। ठीक है, तो वर्किंग को ठीक से करना ही हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके सर, जैसे ही हमें ये तीनों सोर्स का इनकम मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है? अगर कुछ डिडक्शंस है तो डिडक्शन देना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ डिडक्शंस है तो डिडक्शन देना चाहिए, उसके बाद हमें टोटल इनकम मिलेगा। ठीक है, तो डिडक्शन देना है, टोटल इनकम देना है, तो चलो मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ। डिडक्शंस को भी पुट कर दो सर, उसका भी वर्किंग्स कर लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, कैपिटल गेन सॉरी हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशंस हो गया। ठीक है, यहां से लेस कर दो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, इसका भी आप वर्किंग नोट 4 में कर लेना। ठीक है, तो ये सब डिडक्शंस वगैरह सब वर्किंग्स पहले कर लेते हैं, फिर हमें मिल जाएगा टोटल इनकम। ये सब करने के बाद हमें मिलेगा टोटल इनकम, तो जर्नी लंबा है, एक एक करके करते हैं सर सब। तो मैं वर्किंग्स के लिए नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, फिर उसके बाद इस पेज में आ जाऊंगा। तो सबसे पहले आप मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कोई क्या कैलकुलेट कर लिया क्या? अगर किसी ने हाउस प्रॉपर्टी इनकम कर लिया तो मुझे बताइएगा। कितना हुआ हाउस प्रॉपर्टी के लिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवेन है वो तो बताओ मुझे। हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवेन है? सर आपको मैं पहले ही बोला था कि इन्होंने रेंट रिसीव किया रेसिडेंशियल फ्लैट से 85,600 का, जिसको इन्होंने बिजनेस एंड प्रोफेशंस में इनकम दिखा दिया था। तो हाँ बोलो। अब ऐसे म्युनिसिपल टैक्स तो दो बार इसका। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड और एक चीज है, म्युनिसिपल टैक्स भी यहाँ पर देके रखा है। तो ग्रॉस एनुअल, तो सर यहाँ पर देखो, हम लोग नॉर्मली जब हाउस प्रॉपर्टी के डिटेल्स कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर ना हम लोग GAV NAV कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें GAV NAV कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट GAV NAV कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग बाद में जब हाउस प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज करोगे याद आ जाएगा कि वहाँ पर हम लोगों के पास फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है ना, ये सब डेटा गिवन रहता है ना कि इस पर्टिकुलर घर का फेयर रेंट इतना है, स्टैंडर्ड रेंट इतना है। ठीक है, एनुअल रेंट इतना है। तो ये सबको कंपेयर करके, ये सभी चीज़ कंपेयर करके फिर हम लोग GAV NAV कैलकुलेट करते हैं। बट क्या हमारे सामने ये सब डेटा अवेलेबल है सर? अभी स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, ये सब अवेलेबल है क्या म्युनिसिपल वैल्यू? तो फिर अगर आंसर पे की 57,820 अब आंसर इज 57,820, वेरी गुड सर। तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन सर गिवन नहीं है तो जो आपने रेंट रिसीव करोगे ना वही आपका GAV हो जाएगा। जो आप रेंट रिसीव करोगे, हाँ बोलो
बोल क्या बोला? মানে স্যার বলছিলাম যে এই রেন্ট রিসিপ্টের উপরে তো লেস করতে হবে শুধু মিউনিসিপাল ট্যাক্সটা। Yes, দিলে জিএনভিটা বের হবে। ভেরি গুড স্যার, ভেরি গুড। পার্টিকুলারস আর এক বল 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 এনভিটা জিএবি মিন্স গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু। লে আমি কর রহা হুম, দেখ লে। জিনসে হুয়া হ্যায় ও ভি সমঝ জায়েগা, জিনসে নহীন হুয়া হ্যায় ও ভি সমঝ জায়েগা। স্যার গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু 85,600 কা হ্যায়, मतलब जो रेंट आपने रिसीव किया वही आपका म्यूनिसिपलिटी म्यूनिसिपल सॉरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा। इनसे आप लोगों को लेस कर देना चाहिए म्यूनिसिपल टैक्स। कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया सर? 3,000 सर। म्यूनिसिपल टैक्स 3,000 का इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो चलो सर 3,000 यहाँ पे लेस कर देते हैं, तो 85,600 से 3,000 चला गया, तो बचता कितना है? 82,600। तो इसको क्या बोलेंगे सर? एनएवी, या फिर इसको प्यार से क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। मतलब एक्चुअल पूरा नाम है नेट एनुअल वैल्यू, प्यार से कहा जाता है एनएवी। ठीक है, तो 82,600 आपका एनएवी हो गया। अब एनएवी के ऊपर क्या रूल लागू होता है सर? एनएवी के बाद इससे 24 सबसेक्शन ए, 24 ए और 24 बी लगता है, है ना? तो यहाँ पर बी तो नहीं है। यस, बोरोड कैपिटल का तो कुछ बोला नहीं है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है, एट द रेट क्या लगा देंगे? 30%। तो 82,600 के ऊपर 30% लगाओ तो कितना होता है? संपत बोल सर, 30% लगा लो सर 24,780। 24,780, वेरी गुड सर। ठीक है, तो 24,780 जो आपका एनएवी आया, ठीक है, सॉरी डिडक्शन आया, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सभी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो भी करते हैं उनको ये डिडक्शन सभी को मिलता है। जैसे सैलरी से 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन काफ़ी पुराना है और वो चले आ रहे हैं काफ़ी सारे फाइनेंस एक्ट से। सो 24,780 माइनस करने के बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या रहेगा? 57,820। बस यही बात है सर। ठीक है, ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मतलब एक्चुअली वर्किंग नोट वन कंप्लीट हुआ। इसके नीचे एक नोट लिख दो सर। सर एक ना अंडर सेक्शन 24A हो गए तो सर। हाँ 24A। और कुछ नहीं है तो हम अगर 24 भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। रेंट रिसीव्ड हैज बीन, आपके याद रहने के लिए मैं यहाँ पर नोट में लिखा देता हूँ कि बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाएगा सर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए, तो मतलब जीएबी कैलकुलेट करने के लिए हमें फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे करें? सर जो रेंट रिसीव करोगे उसी को आपको जीएबी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड हैज बीन टेकन एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। जब बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, रिलेटिंग टू म्यूनिसिपल वैल्यू, मतलब एम भी, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू एम भी, एफ आर, एस आर, ठीक है, फेयर रेंट, फुल फॉर्म लिख लो आप लोग। एम भी मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, एफ आर मतलब फेयर रेंट, एस आर मतलब स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, जब गिवन नहीं रहेगा तो रेंट रिसीव को ही, रेंट रिसीव को ही आपको जीएबी मानना पड़ेगा सर, ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ वर्किंग नोट वन सर। लास्ट में कुछ नहीं करना है, वर्किंग्स में जाके पुट करना है, हमारा काम आसान हो जाएगा वर्किंग के थ्रू से। ठीक है, तो ये रह हो गया एक सर। अभी चलो चलते हैं वर्किंग नोट टू में। सर वर्किंग नोट टू हमें किस इनकम को कैलकुलेट करने का बात कर रहा है? सर बिजनेस प्रोफेशन। सर बिजनेस एंड प्रोफेशन, चलो वर्किंग नोट टू। तो वर्किंग नोट टू में थोड़ा लंबा काम होगा, बड़ा काम होगा, ठीक है, बिकॉज बीपी का ही मेन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का मतलब हार्डकोर बेस जो है बीपी का है, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस का है। तो हेडिंग कर दो सर, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस
एंड प्रोफेशन, ठीक है सर, ये आपने हेडिंग लगा दिया, चलो बढ़िया है, हेडिंग से काम आसान हो जाएगा। सर अब दो कॉलम भी बना लो सर, तीन कॉलम, एक पर्टिकुलर और रुपीस के लिए दो, एक इनर एक आउटर। इनर आउटर इसलिए होता है बस एडजस्टमेंट कुछ हो तो आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज फॉर योर बेनिफिट, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर। अच्छा, नेट प्रॉफिट जो है सर बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना। ये मैं बीपी से जब आपको कराता हूँ, ठीक है, तब आपको मैं डिटेल्स में सिखाता हूँ नॉर्मली, ठीक है, कि बिजनेस प्रोफेशन कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको मेनली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब रेक्टिफाई करना पड़ता है बीपी इनकम को। सर हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास, 9,28,224। ये जो नेट प्रॉफिट है ये गलत है ना सर, क्योंकि आपने इसमें ऐसा ऐसा इनकम भी दिखाया, आपने 9,28,224 पे आपने ऐसा ऐसा इनकम दिखाया जो आपका इनकम है ही नहीं बिजनेस का, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये जो फ्लैट रेंट करके जो आपने कमाया ये आपका बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, यूटीआई से जो कमाया ये थोड़ी ना है, ठीक है, तो ऐसे इनकम भी आपने गलत दिखाया, कुछ एक्सपेंस भी है जो आपको नहीं दिखाना चाहिए था वो आपने बिजनेस पे दिखा दिया, ठीक है, जैसे कि कार का एक्सपेंस कॉमन सेंस में जो नजर आया मैं आपको वही बोला, बाकी चलो मैं आपको कराते कराते और भी देख लेता हूँ क्या क्या और ऐसा खर्चा है जो इनकम मतलब बिजनेस में नहीं शो करना चाहिए था। तो इसको करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले ना आप मेन नेट प्रॉफिट को आउटर में लिख दो, फिर इसको एडजस्ट करते हुए लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा 928,224, ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब इसके साथ ऐड और लेस करना है, सर क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, सर हम ऐड करेंगे इसके साथ नेट प्रॉफिट में ऐड होगा एक्सपेंस डेबिटेड बट नॉट अलाउड, मतलब आपने खर्चा दिखा दिया बिजनेस पे, डेबिटेड मतलब डेबिट कर दिया आपने बट वो बिजनेस पे अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा ऐसा खर्चा चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, यही आपका मेहनत है या दिमाग का खेल है। सर प्लीज टेल मी, मैं सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा था यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी था, आपको एडजस्टमेंट भी याद रखना होगा, ऐसे तो बहुत सारा है, जैसे आप कंप्यूटर का जो बात है जो मुझे दिखाई दे रहा था कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को कुछ मिला है, ठीक है, फिर आपका परचेस ऑफ मोटर कार, ठीक है, परचेस ऑफ मोटर कार आप वो दिखा दो, मोटर कार एकदम आंखों देखी दिख रहा था कि भाई परचेस ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज जो है, ठीक है, ये 37 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अलाउड नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आप एक्सपेंस के तौर पर डेबिट नहीं कर सकते, इसका डिप्रिसिएशन आप अलाउ कर सकते हो, तो दे दो, ये तो समझ में आई क्या आपको, अमाउंट पेड फॉर परचेस ऑफ कार इज नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 सिंस इट इज अ कैपेक्स, कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपेक्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट्स वाई आप इसको बिजनेस पे इस तरह से डेबिट नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब 80,000 आपको फिलहाल ऐड करना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन का कुछ कर दो, सर अभी नहीं बाद में करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं, डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब बाद में दिखाते हैं आपको, फिलहाल मैं आपको हेडिंग से बार बार बताऊंगा एक्सपेंस डेबिटेड बट नॉट अलाउड, एक्सपेंस डेबिटेड बट नॉट अलाउड दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आप पहले उसको ऐड करते जाओ। सर और क्या एक्सपेंस है जो आपका डेबिटेड हो चुका है बट अलाउड नहीं है, और ऐसा कौन सा एक्सपेंस है आपको क्या लग रहा है सर, और कौन सा खर्चा लग रहा है, प्लीज टेल मी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा, बोलो सर,
जो खर्चा आपको बिजनेस में नहीं दिखाना चाहिए था, म्यूनिसिपल टैक्स. थैंक यू सर, वेरी गुड. म्यूनिसिपल टैक्स तो हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है. वेरी गुड सर, म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, तो बिजनेस में क्या कर रहे हैं. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सर. तो लिख लो, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्लैट लेट आउट. कितने का? 3000 का. ऐड कर दो सर, 3000 का ऐड कर दो. मैंने भी कर दिया, तो 3000 ऐड हो गया. ये गलत था, ये आप खर्चा नहीं दिखा सकते थे, तो आपने कर दिया था, डेबिट कर दिया था, उसको ऐड बैक कर दो. ठीक है, रेक्टिफाई हो रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है. अच्छा सर, और कोई खर्चा आपको ऐसे दिखाई दे रहा है? तो बोलो सर. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्लैट लेट आउट. आपने जो घर भाड़े से दिया, 3000 की प्रथम अमाउंट करे लिखो. हाँ, इनर कॉलम. ठीक है, इनर कॉलम में लिख, क्योंकि इसमें जो भी एड लेस होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा, है ना. प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है इसका, इनर आउटर का और कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन है. मतलब ऐसे कैलकुलेशन करके शो करने में हेल्प करता है और कुछ नहीं. अच्छा, ये सब बचपन की जैसा मत करो. अकाउंटेंसी में फॉर्मेट का मतलब इम्पोर्टेंस ही होता है, टैक्स में फॉर्मेट का ऐसा कोई इम्पोर्टेंस ही तो है नहीं, बट आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो अगला को समझ में आ जाए कि भाई आपने क्या किया. ठीक है. अच्छा बोलो, और क्या है ऐसा ऐसा एक्सपेंस जो आपको पीएल में नहीं करना चाहिए था पर आपने कर दिया? सैलरी टू स्टाफ, स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट, इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी. सर यहाँ पर तो मुझे सब ठीक लग रहा है, इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं. सर यहाँ पर एक था, सैलरी इंक्लूड्स 30,000. स्टाफ को जो आपने सैलरी दिया, इसके अंदर 30,000 का एक सैलरी है जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को आपने दिया, और वो भी कैश में पेमेंट किया. सर कैश पेमेंट कितना तक अलाउड है बोलो तो? 10,000. उससे ज्यादा करोगे तो? सर होगा ना सर? नहीं होगा, पूरा अमाउंट ही डिसअलाउड हो जाएगा. पूरे अमाउंट ही सर. थैंक यू सर, दे दो सर. सैलरी पेड टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3. ठीक है, इस सेक्शन के तहत ऐसा होता है. और सिंस such cash payment exceeds, कितने का, कितने एक्सीड कर दिया? 10,000 क्रॉस कर गया सर, तो पूरा का पूरा 30,000 ही एड बैक हो जाएगा. ठीक है, पूरा 30,000 एड बैक करना पड़ेगा आपको, ये रहेगा बात. सर और कुछ? सर फिलहाल मुझे डेबिटेड के केस में और कुछ तो नहीं दिख रहा है, अगर कुछ और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, मतलब एक्सपेंस के हिसाब से मुझे और कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं सर, और कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है, बाकी सब मुझे सही लग रहा है, अगर बाद में मिलेगा तो दिखता हूँ, बट फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. इनकम वाला देख लेते हैं सर. चलो, मतलब ऐसा क्या क्या इनकम है जो पीएल में क्रेडिट नहीं करना चाहिए, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं करना चाहिए था पर कर दिया. ठीक है, चलो सर. अच्छा, एक और एक चीज एक ऐड होना चाहिए जिसको थोड़ा सा अलग टाइप में लिखो सर, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड. From client
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन सर ये बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होना चाहिए टैक्सेबल एज बीपी इनकम सर आपको समझ में आ गया गिफ्ट मिला था ना गिफ्ट हाँ सर गिफ्ट मिला था कहाँ चला गया वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500 क्या इसको पीएल में कहीं पर भी शो किया अरे इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं पर भी ये वाला अमाउंट शो किया क्या नहीं ना अरे नहीं ना बताओ ये जो बेनिफिट उनको मिला है इनका बिजनेस इनकम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा अरे बिल्कुल माना जाएगा सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 के तहत ये होता है ठीक है तो ये 10,500 आपको ऐड कर देना चाहिए अच्छा आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो बना था इसका टोटल करके आउटर में लिखो इसको टोटल करके आउटर में लिखो ना कितना हो रहा है देखो मतलब 30, 3 और 80 1,13,000 सही तो 1,13,000 इसको क्लोज करो कितना हो रहा था मतलब ऊपर में है हमारा 920 224 एंड ऐड विथ 1,13,000 कितना होगा 10,00,000 1,041,224 1,41,224 ठीक है इसके साथ ऐड कर दो ये जो बेनिफिट जो इनकम में नहीं दिखाया था 10,500 का ठीक है मतलब जो शो करना चाहिए था आपको बट आपने किया नहीं ठीक है मतलब इनकम शुड बी क्रेडिटेड बट यू डोंट क्रेडिट देयर तो आपको डेबिट क्रेडिट कर देना चाहिए तो ये क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने तो 1041,224 और 10,500 ऐड कर दिए कितना हो जाता है सर 1051,724 1051,724 बढ़िया है सर बढ़िया है आगे बढ़ते चलो अच्छा अब कुछ ऐसे ऐसे इनकम के बारे में मैं आपके बात करूंगा आपसे कुछ ऐसा ऐसा इनकम इन्होंने किया जो पीएल में मतलब कतई नहीं आना चाहिए है ना कभी भी नहीं आना चाहिए पर फिर भी आ गया जैसे डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी ठीक है इनकम फ्रॉम यूटीआई ऑनर में दिया जाता है ऑनोरेरियम रिसीव फ्रॉम मैं बचपन में तो ऐसे ही बोलता था ऑनोरेरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर ठीक है कितने का है 15,800 और रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट है 85,600 चलो बढ़िया है पुट करते हैं जो जो इसको क्या बोलेंगे बोलो तो इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर बीपी तो उसको क्या करना चाहिए सर बिल्कुल लेस कर देना चाहिए तो लेस का हेडिंग बनाओ और लिखो इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर बीपी बीपी हेड में नहीं आएगा क्या क्या ऐसा इनकम है इनका सर ऐसे तो मैंने आपको 2-3 ऑलरेडी बता दिया तो प्लीज आप भी बता दो मुझे मेरे यहाँ पर जगह खत्म हो गया एक काम करता हूँ सर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या क्या आ जाएगा सर प्लीज टेल मी 10,054 डिविडेंड एस सर यूटीआई एस तो हम यहाँ पर कर देंगे सर बिल्कुल डिविडेंड ऑन शेयर्स डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अंडर द हेड ऑफ मतलब ये जो इनकम है ये किसी और हेड का क्रेडिट मतलब क्रेडिट है उसको आप बीपी में क्यों क्रेडिट कर दिए तो डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अंडर द हेड अदर सोर्स ये टैक्सेबल है बट अंडर द हेड अदर सोर्स
इसमें टैक्सेबल है, ठीक है, टैक्सेबिलिटी इसका दूसरे हेड में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा ये। तो 10524 इनर में लिख लो, 0.2। और क्या ऐसा है जो बीती में क्रेडिट नहीं होना चाहिए पर हो गया? इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये भी टैक्सेबल इन आईफोस, ये सब आधा सोर्स का है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, अपने जगह में जाओ, अपने जगह में जाओ ना, मेरे जगह में क्या कर रहे हो? कौन बोल रही है? बीती बोल रहा है। अपने अपने घर में जाके रहो, दूसरे के घर में सारा दिन पड़े रहोगे तो क्या चलेगा? बदमाशी हो जाएगा फिर। पॉइंट नंबर 3, ऑनोररियम, मतलब बेसिकली ऑनोररियम, ठीक है, ऑनर में, सम्मान में दिया गया, और बचपन में जब शुरू शुरू में ऐसे एज से स्टार्ट होता ना, ऑनेस्ट, हाँ उन पढ़ते थे ऑनेस्ट, एक दिन टीचर क्या जोर से मारा माथा पे, जानते हो कि क्या ऑनेस्ट ऑनेस्ट क्या कर रहा है, हाँ गाड़ी का हॉर्न बजाएगा क्या? हम बोलते रीच, क्या फनी है, एच ओ आर एन हॉर्न है तो फिर एच ओ एन ई एस टी क्या पड़ेगा बच्चा, हाँ बच्चा का कॉमन सेंस का कोई दाम नहीं है क्या, आप ही बताओ। बच्चा कॉमन सेंस लगाता है बट बोलते हैं मत लगाओ कॉमन सेंस, एच ओ आर एन एच ओ आर एन हॉर्न है तो फिर एच ओ एन क्या पड़ेगा, हॉर्न ही ना पड़ेगा, वो उसको क्या पता कि ये एच यहाँ पर क्या बोलो सर। फिर जिसको थोड़ा इंग्लिश अच्छा आता था वो साइड में बैठ के हंस देता था, हाँ मैं सोचता था कि मतलब मैं या जो भी थोड़ा सा वीक था इंग्लिश में, हाँ तो उनको लगता था कि इसको ये भी नहीं आता, हाँ अरे भाई क्यों आएगा, कॉमन सेंस लगा रहा है, तुमको लग रहा है तुमको आ गया तो फिर तुम कुछ तीर मार लिए क्या, ठीक है सीख जाएगा, हाँ ऐसे दूसरे का भाषा है सीखने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, हर कोई थोड़ी ना कॉन्वेंट से आया है, हाँ ये भारत का एक दुख का बात है सर। चलो भाषा के लिए भी मारपीट। तो ऑनररियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर कितने का है? ओ, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ये 7600 होगा रे, तुम लोगों ने बोला नहीं, यूटीआई का तो 7600 है और ऑनोरियम 15800 है। ये भी आधा सोर्स का है और 0.4 में जाएगा रेंट रिसीव्ड From letting out of residential flat। चलो इसका भी तो नहीं आएगा, ये भी तो अदर सोर्स का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का है ना, तो ये बीपी में क्या कर रहा है, तो इसे भी हटाओ। ये जो रेंट मिला है आपको, आपने ऑलरेडी दिखाया रेंट 85 कहाँ चला गया, रेंट का इनकम 85600, ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का बात है, तो इसको यहाँ पर क्या करोगे सर? चलो जो जो इनकम आपको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने कर दिया, आउटर में टोटल करके बताइएगा सर मुझे कितना होगा। कोई तो बताए मुझे, अब मुझे ये बता दो कि जो हमारा टोटल लास्ट में था, मतलब दैट इज दिस वन, कहाँ चला गया भाई ये 9,32,200 9,32,200 वेरी गुड सर।
अच्छा अब क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन का जो कुछ खेल था उसको देख लेते हैं सर। हाँ वो गाड़ी था ना, गाड़ी, हाँ सर, जो भूम भूम करके गाड़ी घुमाने के लिए खरीदा था पूर्वी जी ने, बोले थे सर आशीष सर। हाँ उसका बोला है देखो डेप्रिसिएशन 15% है, और पूर्वी जी ने 80,000 पे 15% डायरेक्ट मार दिया, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हाँ सर आप गाड़ी पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट गाड़ी का खर्चा थोड़ी ना दिखा सकते हैं आपको। सर कितना होगा? 15% बोला था। 15% 80,000 का 15% 12,000 होता है क्या? ओके। अच्छा यहाँ पर एक चीज, ये गाड़ी एक साल यूज किया कि 6 महीना यूज किया, ऐसा कुछ बोला है क्या? गाड़ी का उम्र कितना दिन का है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम पे ये एक वाइटल पॉइंट होता है कि गाड़ी कितना दिन यूज कर रहा है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? ना तो सर, कोई तो हाँ सर बोलो, कोई और कुछ बोल रहा है ऐसा लगा मुझे। जस्ट 15% ही तो सिर्फ बोला जाता है। तो सर ऐसे सिचुएशंस में आप अगर एनुअल चार्ज करोगे, मतलब ये अजम्पशंस रहेगा, जो भी आपका अजम्पशंस रहेगा उसको आप नोट दे दीजिएगा, ठीक है? मतलब मैं रियल लाइफ में जब भी आप करते हो ऐसे ही करना पड़ता है, अगर डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है ये अज्यूम बोल के करना पड़ता है। तो डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एट द रेट 15%, अगर 15% मानते हो तो इसका भी नोट देना पड़ेगा, ठीक है? नोट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है। सर अगर आप 80,000 का 15% डायरेक्ट यूज करते हो तो इसका क्या हो जाएगा? 12,000। अच्छा डिप्रिसिएशन क्या करना चाहिए, लेस होगा कि ऐड होगा रे बाबा? इसलिए लेस होगा, ठीक है? तो 9,32,200 से 12,000 लेस करो, 9,20,200 ये हो जाएगा उनका बिजनेस इनकम, ठीक है? लेकिन सर नोट पे लिख दो कि आपने गाड़ी को एज्यूम किया एक साल के लिए, तो ये नोट आपको नीचे देना पड़ेगा। It has been assumed. It has been assumed that motor car was put to use for greater than 180 days. 180 days से ज़्यादा है, ठीक है? 180 days से ज़्यादा होने से पूरा साल का depreciation लगेगा, ठीक है? और 180 डेज से अगर ज़्यादा है, 180 डेज से ज़्यादा है इन प्रीवियस ईयर, हैंस फुल ईयर डिप्रिसिएशन एट द रेट 15% इज अलाउड। और ये जो भी होता है 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के हिसाब से, जो बीपी में आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ही वाइटल एक सेक्शन है, ठीक है, वहां पर पढ़ा जाता है। सर अगर ये लेस देन 180 होता तो आपका ये वैल्यू 6,000 आ जाता ना, अगर आप इसको लेस देन 180 मानते तो ये आपका 180 दिन से कम होता ना तो ये 12,000 से कम हो जाता, ठीक है? बोलो ये वाला बात क्लियर है कि नहीं? बताइए सर। ओके तो ये था डिप्रिसिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बीपी इनकम तो आपने कैलकुलेट कर लिया। सर कुछ और भी बात इस क्वेश्चन के अंदर है जो मुझे आपको एक बार नोट के तौर पे बता देना चाहिए? जैसे ये एक नोट था नोट 1, ऐसे भी और 2-3 नोट आप यहाँ पर लिख लो जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मे भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने इसको क्यों नहीं बोला, उसको क्यों नहीं बोला, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए। जैसे आपके मन में एक सवाल चल सकता है, आर्टिकल असिस्टेंट को इंसेंटिव दिया गया था, है ना सर? इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग आईपीसीसी, जो क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअली ये सीए इंटर का पुराना नाम है, फॉर पासिंग आईपीसीसी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट
इज डिडक्टेबल, ये खर्चा डिडक्टेबल खर्चा है सर, मतलब इसको एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर, ये सीए के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी भी ट्रेनिंग को ऐसे मतलब इनकम टैक्स ने ऐसे कहीं पर भी नहीं बोला कि सीए को दे रहा है कि सीएस को दे रहा है सीएमए को दे रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप अपने आर्टिकल असिस्टेंट को या ट्रेनिंग को कुछ भी ऐसे इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका डिडक्शन आप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज आप अच्छे के लिए कर रहे हो ना। असिस्टेंट फॉर और पासिंग आईपीसीसी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस। अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट था, उसको भी लिख लो, था ना रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड ऑफ 1st अक्टूबर 2021 टू 30th सितंबर 2099, ठीक है, सॉरी 2022। अब 30th सितंबर 2022 तक रिपेयर मेंटेनेंस ऐसे यहाँ पर दिया था क्वेश्चन के अंदर, परचेज ऑफ मोटर कार, अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल कार 4000 का दिया था, ठीक है, और यहाँ पर बोला था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार फॉर द पीरियड ऑफ 1st अक्टूबर से 30th सितंबर 2022 तक का 2000 का है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कुछ किया नहीं, ठीक है, क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिपेयर मेंटेनेंस पेड इन एडवांस, जो एडवांस पेमेंट हो गया था क्योंकि 2022 का भी खर्चा आ गया था ना, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड इन एडवांस फॉर द पीरियड 1st अप्रैल 2022 टू 30th सितंबर 2022, ठीक है, दैट इज फॉर 6 months अमाउंटिंग टू 1000, मतलब 2000 है टोटल, तो इधर का 6 महीने का 1000, इधर 6 महीने का 1000, ठीक है, अमाउंटिंग टू 1000 इज अलाउबल सिंस मेसर्स मिस पूर्वी is following cash basis of accounting, मतलब जो receive होगा वही वो accounts में show करते हैं, तो ये allowed है। कहने का मतलब समझ में आया सर, 1st अप्रैल 2022 से 30th सितंबर 2022 तक का उन्होंने जो खर्चा किया, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या था, ये जो खर्चा आपको मैं बार बार पढ़ा रहा था, कहाँ चला गया ये, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड ऑफ 1st अक्टूबर 21 से लेकर 30th सितंबर 2022, और यहाँ पर 4000 का एक्सपेंस टोटल है, तो जो एक्सपेंस 22-23 का भी सेशन में जा रहा है ना, वो भी आप आराम से दिखा सकते हो, बिकॉज आपका जो 1000 का भी एक्सपेंस जैसे आ रहा है 2000 में, जैसे यहाँ पर 30th सितंबर जो है ये तो आपका 1st अप्रैल 22 से 1st अप्रैल 22 से 30th सितंबर 22 का जो 6 months का एरिया है, ठीक है, वो उसका जो 1000 टका होता है, 2000 का आधा कर लो आप, ठीक है, ये आपका 6 months 22-23 सेशन का है, आपको ये बात समझ में आ रहा है सबको, हेलो, ये 2000 का एक पार्ट 1000 का पार्ट नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का हो जाता है, लेकिन तो फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का हिसाब हम यहाँ पर क्यों दिखाते हैं, बिकॉज ये कैश पेमेंट में है, लेकिन अगर ये एक्रुअल सिस्टम में होता तो आपको ये 1000 अलाउड नहीं करता, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट सेशन में आता, मतलब नेक्स्ट ईयर में आता, क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर। 1st अक्टूबर 21 से 30th सितंबर 22 6 महीने का हिसाब है, ठीक है, और उसमें से आप समझने का कोशिश करो सर, इसमें से आपका ये जो है नेक्स्ट ईयर का है 1000, ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर का हिसाब को आप कहाँ दिखाओगे, आप इस साल ही दिखा दोगे, बिकॉज ये कैश बेसिस में हो रहा है, ठीक है, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताओ मुझे। अरे बताइए सर, समझ में नहीं आया क्या?
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। ओके सर, आप लोग 2 मिनट होल्ड करो ना, कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो मुझे 1 सेकंड देना पड़ेगा। 2 मिनट सर आप लोग होल्ड करो। सर आप लोग पूरा क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करते रहो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ सर। कंप्लीट करने का कोशिश करो, बाकी जैसे आदर्श सोर्स का वर्किंग्स है, आप लोग सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो सर। हाँ सर, सुन पा रहे ना? जैसे आदर्श सोर्स का वर्किंग्स है, ठीक है, तो बाकी वर्किंग्स ट्राई करो आप लोग, मैं अभी आता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, या फिर चाहो तो आप लोग ये भी ले सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आप लोग थोड़ा ट्राई करो 2 मिनट में, मैं अभी आता हूँ सर, कहीं मत जाना, ठीक है सर?
हेलो सर। हाँ सर। लोग हो सर? हाँ बोलो। ट्राई किए कुछ अदर सोर्स निकाले? ट्राई कर ली ना बसे थकली सुधर। अच्छा चलो कंटिन्यू करो। 53,924 वेरी गुड सर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया 33,924। गुड आंसर सर। ठीक है चलो, जिनने कर लिया बहुत अच्छा। अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस तो समझ में आ गया था आप लोगों को। अच्छा पॉइंट फोर में आपका आएगा, पॉइंट फोर का भी कुछ हिसाब है यहाँ पर। जैसे सर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक फॉरेन टूर का एक ऑप्शन था सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? यस सर यस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ 30,000 विदिन व्हिच इज वाज विदिन द आरबीआई नॉर्म्स। ठीक है तो सर इसमें और मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं, बिकॉज फॉरेन टूर का जो एक्सपेंस है ये डिडक्टेबल है, और क्योंकि ये आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से है तो हमें इसको लेके कोई चिंता करने का अभी जरूरत नहीं है। तो आप इसका नोट दे सकते हो या फिर ना भी दे सकते हो, बट ये अलाउड है। अगर अगर आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से नहीं होता तो फिर आपको ये डिसअलाउड करना पड़ता। ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। ठीक है तो बीपी का जो भी हिसाब किताब था हम लोगों ने कर लिया, अब देखना है बाकी और क्या हेड है। जैसे अदर सोर्स का हेड था, आप लोगों ने अदर सोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है ना। चलो मैं भी आपके साथ साथ कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो सर। अदर सोर्स में क्या क्या है, अदर सोर्स में क्या है? पॉइंट थ्री इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो जैसे कि ऑलरेडी नंदिनी ने मेरे को आंसर बता दिया। क्या सभी ने निकाला ऐसे जो नंदिनी का आंसर आया? सर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड शेयर्स, ये पहले एग्जाम होता था, आजकल ये सब एग्जाम नहीं होता है। डिविडेंड शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, बाकी डिटेल्स कब एग्जेम्प्टेड होता है नहीं होता ये सब मैं आपको अदर सोर्स में बता के रखा। डिविडेंड ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स इंडियन कंपनी, taxable in the hands of shareholder, taxable in the hands of shareholder, कितने का आएगा, कितने का डिविडेंड मिला था? अरे 10,524 तो पुट कर देते हैं 10,524, ये हो गया एक। अच्छा दूसरा और क्या आएगा? यूटीआई इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूटीआई दिस इज आल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इसको बोलते हैं यूटीआई होल्डर। हाँ इन द हैंड्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड के ही एक कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। इन द हैंड्स ऑफ यूटीआई होल्डर मतलब यूनिट होल्डर बोलते हैं, यूटीआई होल्डर नहीं यूनिट होल्डर। म्यूचुअल फंड में यूनिट होते हैं, शेयर मार्केट में शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट बोलते हैं सर। जो लोग आजकल म्यूचुअल फंड क्लास करते हो उनको पता है कि कैसे यूनिट का कैलकुलेशन होता है। ओके इनकम फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर 7,600 का। चलो बढ़िया है, और कुछ नहीं आएगा? अरे हॉनोरेरियम नहीं आएगा क्या? हॉनोरेरियम जो मिल रहा है फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, मतलब कॉपी चेक किया सर, फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट आंसर पेपर 15,800 टोटल करो और बताओ कितना कमाया? 33,924 आया सबका? शिवम तथा अभिषेक ज्योति रोशनी बोलो सर, नंदिनी तो बोला, सोनपद ओके, प्रियाक्षी
হচ্ছে 33924। ঠিক আছে, আচ্ছা ডিডাকশনস কা কিয়া করে স্যার, ডিডাকশনস কুছ হোগা কি নেই চ্যাপ্টার 6 এ? ডিডাকশন আসবে তো স্যার, ডিডাকশন আন্ডার চ্যাপ্টার 6 এ কিয়া কিয়া হিসাব হোগা হোনা চাহিয়ে স্যার, ইসকা এক পার্টিকুলার और एक रुपीस का कॉलम बना लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C था ना सर, ये आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। डिडक्शन को आप लोगों ने बहुत डिटेल्स में ही पढ़ाया था, एक एक पॉइंट को छोड़ा नहीं था, बिकॉज बहुत वाइटल मानते हैं टैक्स प्लानिंग में। कहाँ गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 10,000 डाला सर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 80C के अंदर आता है। ऐसे 80C में मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलता है? 1.5 लाख। थैंक यू सर। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10,000 का है तो 1.5 लाख मिलता है। 10,000 क्या चीज़ है, मिलेगा, मिलना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D का कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D का जो बात करते हैं, डिपेंडेंट ब्रदर के लिए भी आप खर्चा कर रहे हो और मेजर सन के लिए भी आप खर्चा कर रहे हो, 5,000-10,000 रेस्पेक्टिवली पेड इन कैश, क्या होगा डिडक्शन अवेलेबल हो पाएगा? क्या लगता है सर, बोलो सर, ब्रदर क्या आसिबे सर, नोट में लिखो सर थोड़ा, फिर मैं आपको लिखता हूँ प्रीमियम सर। एक्टा वाज बेलो, एक्टा वाज बेना, वेरी गुड सर। क्या ना आज बेना तथा सर, मेजर सन का तो कैश पेमेंट को रची है, ब्रदर तो सर रिलेटिव में मुझे आशना। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मेजर सन कैश पे किया है, मेजर सन का आ सकता था, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे आता है, बट कैश पेमेंट किया है और ब्रदर इज नॉट रिलेटिव, तो लिख लो, वही मैं नोट पे लिखा रहा हूँ। प्रीमियम पेड इस, देखो सर ये होता है चर्चा करने का पावर, अगर आप चर्चा में रहोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, आपको दिमाग काम करेगा। तो प्रीमियम पेड टू इंश्योर दी, वेरी गुड सर, इंश्योर दी हेल्थ ऑफ ब्रदर। मैं सोच रहा था कोई जवाब दे तो बड़ा मजा आएगा। तो प्रीमियम पेड टू इंश्योर दी हेल्थ ऑफ ब्रदर इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, इवन दो ही इज अ डिपेंडेंट, इवन दो ही इज अ dependent, since brother is not a relative, brother is not included in the definition of family. Under section 80D, ये एक बात हो गया। दूसरा इसी पॉइंट पे प्रीमियम पेड टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ मेजर सन इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, not eligible for deductions, even though he is a dependent since, iska main reason nahi hai, since payment is in cash, aapne cash payment kiya aur cash payment ka sarkar aapko ye mauka nahi deta, ठीक है, इसीलिए कैश से जितना छुटकारा मिले उतना ही अच्छा। बेनिफिट अगर लेना है तो
तो अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन मेन जो वर्किंग्स करना था कर लिए सर। अब कहाँ चले, अब चलते हैं वापस हमारे उस पॉइंट में जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चलो आ गए हम कहाँ, अब मुझे प्लीज बताओगे पुट करना है और कुछ नहीं करना है। कितना होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर? 57,820। ओके सर, बीपी 920-200। अदर सोर्स 33,924। और कुछ डिडक्शन कितना दिया हम लोगों ने? 10,000। ठीक है, ये ले सकते हैं। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा फिर, मतलब नेट इनकम? मतलब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ तक करने के बाद आपको GTI बताना चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद वहाँ से 10,000 रिलीज करना चाहिए। बोल 10,00,000 कितना आ रहा? 10,00,000 10,11,000 जी 11,944। हाँ सर, वहाँ से 10,000 लेस करोगे तो टोटल इनकम हो जाएगा 10,01,944 क्या होगा रे? अच्छा 944 ही होगा, बट आपको राउंड ऑफ कर देना चाहिए राउंड ऑफ के रूल के हिसाब से, ठीक है। ये नियरेस्ट राउंड ऑफ होता है ना, जो आपको मैं पहले भी दिखाया था, ठीक है। 10,00,019 क्योंकि ये 44 है, तो 44 के नियरेस्ट जो है वो 40 है, ठीक है। राउंड ऑफ में इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसको राउंडेड ऑफ बोलते हैं। हाँ बोल। 10 पर लिखना शून्य हो गया, ठीक है सर। अच्छा अब क्या करना है सर, टैक्स ऑन टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो। टैक्स ऑन टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो, मतलब टैक्स लायबिलिटी 45,790। यस सर, टैक्स लायबिलिटी 45,790, 45,790, ठीक है। अच्छा मैं करता हूँ, मेरे साथ साथ भी कुछ लोग कर सकते हो जिन्होंने नहीं कर पाया अभी तक। सर इसका इनकम हुआ 10,01,940 तथा 115 BSE अप्लाई कर, और उसमें पता कितना हो रहा है। जिन्होंने नॉर्मल में कर लिया उनके लिए होम, मतलब अभी करना है क्लास वर्क, 115 BSE अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको 115 BSE में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो आपको 115 BSE लेना चाहिए, है ना। तो आपको पता है 115 BSE का रेट क्या है, क्योंकि मैं ये सब करा के रखा। तो अप टू 2,50,000 तक क्या होता है सर टैक्स लाइबिलिटी के लिए, 2,50,000 तक हमारे देश में कोई टैक्स नहीं। ग्रेटर देन 2.5 to 5 lakh एट द रेट 20%, मतलब 1,00,000 ना, ना सॉरी 12,500, ओहो मैं गलत लिखा, 5%, 2,50,000 से 5,00,000 5%, 12,500, ग्रेटर देन 5,00,000 to 10,00,000 एट द रेट 20%, दैट इज 1,00,000। और ग्रेटर देन 10,00,000 to 10,01,940 एट द रेट 30%, मतलब बेसिकली 1,940 के ऊपर 30%, कितना होगा 1,940 के ऊपर 30% कितना होगा? 582। तो तीनों को टोटल करके मुझे प्लीज बताओ, दिस तीनों को कितना हो रहा है?
স্যার 1,13,082। इसके साथ आपको ऐड क्या करना चाहिए? एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, है ना? तो ऐड करो हेल्थ एंड एडु सेस 4%, तो कितना होगा? 1,13,082 के ऊपर 4% लगाओ, 4,523 टोटल करो, टोटल करो 1,17,605। दिस इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी, दिस इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। हाँ सर, पॉइंट टू बी नोटेड। क्वेश्चन तो भूले नहीं ना, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन था कि आपने एडवांस टैक्स कितना पे कर दिया भाई 21-22 का? 70,000, जो 21-22 में ही आपने करके रखा था, ठीक है? तो अगर आपने 21-22 में एडवांस टैक्स दे के रखा था या फिर किसी का TDS पेमेंट करके रखा था, तो वो सब आपको क्या करना है? अभी माइनस करना है। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है कि हम लोग TDS, TCS, एडवांस टैक्स का बात क्यों करते हैं, ठीक है? और उसका चर्चा करना कितना ज़रूरी है। तो फिलहाल तो एडवांस टैक्स को लेस करना पड़ेगा सर, एडवांस टैक्स लेस करो सर, लेस करो एडवांस टैक्स। कितना? जो टैक्स आपने 21-22 में, 21 क्योंकि ये 22-23 का हिसाब चल रहा है और आपको 21-22 का जो टैक्स का हिसाब है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। तो एडवांस टैक्स अगर आप पहले से ही पेमेंट करके रखा तो वो भी आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा, 70,000 माइनस होगा, 70,000 माइनस होगा और TDS भी माइनस होगा। जैसे TDS ऑन डिविडेंड, सर डिविडेंड जितना था वो सब ग्रॉस था, तो डिविडेंड जो है सर वो एक्चुअली अंडर सेक्शन 194 है। मैं कल बता रहा था आप लोगों को 194 सेक्शंस में आता है डिविडेंड। ये देखो TDS जो है 192 से 196 के अंदर आता है और उसमें 194 जो है वो डिविडेंड के बारे में चर्चा करते हैं। इसके ये नोट्स मैं आज आपको शेयर कर लूँगा, आप लोग घर में बैठे बैठे प्लीज़ सेक्शन को एक बार गो थ्रू कीजिएगा कि कौन से सेक्शन में किस TDS के बारे में बोला है, किसका क्या रेट दिया हुआ है, ठीक है? 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में कल बताया था आप लोगों को, ठीक है? और यहाँ पर है आपका डिविडेंड, डिविडेंड 194 का एरिया है, याद आ रहा है सर? और TDS कितना है डिविडेंड का, मतलब आपके हाथ में डिविडेंड जाने से पहले 10% का TDS काटेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में डिविडेंड जो है वो ग्रॉस है तो डिविडेंड कितना हो जाएगा इसका? 10% UTI का 7,600 है, ये 194K का पार्ट है। UTI का जो बात है ये 194K के अंदर आता है सर, 194K, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आओगे दिख जाएगा 194A, B, C, D करके आपको K का पॉइंट भी मिल जाएगा सर, ठीक है? अभी मैं लिखा देता हूँ क्वेश्चन के लिए, बाद में आपको नोट शेयर करूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा एक बार। तो TDS ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 194, ठीक है? अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी लिख दो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 194 कितना हो जाएगा? 1,052। अरे, और TDS ऑन इनकम फ्रॉम UTI 194K, 7,600 था, वो भी ग्रॉस था, 760 हो जाएगा। तो आपने एडवांस टैक्स को भी एडजस्ट कर दिया और दोनों TDS को भी एक तो देखता हुआ दाड़ा, एक तो देखता हुआ। अच्छा, ये कितना हुआ? 1,17,605, 70,000 माइनस, दोनों TDS माइनस करके कितना जाएगा रे? 45,793 आ रहा है क्या? जो तौथा ने भी बोला था मुझे पहले ही, टैक्स पेबल। ये होता है टैक्स पेबल एज पर ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, 793, इसको राउंड ऑफ कर दो, इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ता है नियरेस्ट मल्टीपल में। तो 793 मतलब
90 की तरफ आना है आपको 45790। अगर ये पाँच होता तो सेवन वो 80 हो जाता, 790 तो मतलब सेवन हाँ 800 हो जाता, ठीक है। अगर पाँच होता तो 45800 हो जाता, पाँच के उस पर जाता था। ये रहा आपका एक आंसर, तो आपका हो गया। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पर एक एडिशन दे रहा हूँ, बिकॉज आप एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हो, और जैसे सीए और सीएमए के एग्जाम पे तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है, सीएस के एग्जाम में आपको एज पर क्वेश्चन जो भी पूछेगा, तो अगर आपको सेम क्वेश्चन में 115 बीएससी पूछ ले तो मतलब सर 115 बीएससी मतलब सर ये डिस्काउंटेड टैक्स रेट है जो आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है, मतलब कुछ नहीं आपको बस एक्स्ट्रा एक मेहनत यहाँ पर करना है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विथ 115 बीएसी। ये एक डिस्काउंटेड रेट का सेक्शन है, बट इस पे आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बस इतना ही बात है। तो अगर आपको देखना है हमारे क्वेश्चन में GTI कितना था सर, थोड़ा सा बदल जाएगा कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप यहाँ पर डिडक्शन नहीं ले सकते, तो प्लीज़ टेल मी। मैं यहाँ पर फिर से नहीं दिखाना चाहता आपको, बस यहीं से मैं बताना चाहूँगा, आप मुझे एक बात करें, ये डिडक्शन ना होता, ये जो 10,000 का डिडक्शन आपने दिखाया ना, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप 115 बीएससी का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, प्लीज़ मेरा बात ध्यान से सुनो, ये सेम लाइन आप रिपीट करना, सेम लाइन रिपीट करना, बट डिडक्शन को हटा देना। आपको मेरा बात समझ में आया सर? ये डिडक्शन नहीं आएगा, बिकॉज 115 बीएससी में डिडक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। 80C से 80U का चैप्टर 6A का डिडक्शन अलाउड नहीं है, और उसके बदले आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा, ठीक है। जैसे 5% के बाद यहाँ पर 20% था, ठीक है, वहाँ पर 5 के बाद 10% है, और इनकम का भी काफ़ी स्लैब ज़्यादा है, ठीक है, क्लोज स्लैब है। तो मैं यहाँ पर और फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज़ रिपीट दी स्टेप्स, ये जो स्टेज है इसको रिपीट कीजिएगा अप टू GTI तक। मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ GTI स्टेप्स रिपीट, हाँ, इसको रिपीट कीजिए और डिडक्शन को छोड़ दीजिए, मतलब हटा दीजिए उसको, मत लिखिएगा, और आपका इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन होगा वो इसके ऊपर होगा, 10,11,940। आप सबको मेरा बात समझ में आया सर? आप सबको मेरा बात समझ में आया सर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, ये नील है, 2.5 लाख इसमें भी है, 2.5 to 5 लाख चौथा रेट रहता था, 5%। ठीक है, लेकिन खेल यहाँ बदलता है, 5 लाख to 7.5 लाख ये स्लैब अलग है, 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख का स्लैब आएगा और इसको 10% देगा, ठीक है। उसके बाद 7.5 लाख to 10 लाख का स्लैब आएगा, इसमें आपको 15% का एक रेट मिलेगा, ठीक है, और फिर 10 लाख के ऊपर जाने से जितना जाएगा उस पर 20%, मतलब 10 लाख to 10 लाख 11,940 एट द रेट 20%। तो इसमें स्लैब रेट ऐसा है 5, 10, 15, 20, ठीक है। और दो बात है सर, 2.5 से 5 का ठीक है, 5 से 7.5 का स्लैब है, 7.5 से 10 का स्लैब है, और 10 लाख से ग्रेटर देन जो भी होगा उसमें 20% का स्लैब है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 5 से 7.5 मतलब 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000 है ना, आप ऐसे ही मुंह में ही कर सकते हो नॉर्मल में। 7.5 से 10 लाख का डिफरेंस मतलब 3.5 लाख का डिस्टेंस, अगेन 2.5 लाख का डिस्टेंस है क्या, 7.5 से 10 लाख मतलब अगेन 2.5 लाख का डिफरेंस है। 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 15%, कितना होगा रे, 37,000। थैंक यू सर। और 1,000 सॉरी 11,940 10 लाख से
10,11,940 मतलब 10,11,940 मतलब 11,940 पे 20% सॉफ्टवेयर्स हां 23388 टोटल करना प्लीज ठीक है ये हो गया आपका टोटल इसके ऊपर ऐड करोगे एडु एंड हेल्थ चार परसेंट लगाओ टोटल करो सर 80,483.82 84,84 इससे लेस करो एडवांस टैक्स सेम प्रोसेस अभी एडवांस टैक्स लेस करो 70,000 का और टीडीएस को भी लेस करो सर 70,000 का एडवांस टैक्स लेस हो जाएगा टीडीएस लेस करो दोनों 1,812 का मतलब कहने का मतलब है 84,84 - 70,000 माइनस सर 672 18,12,8,672 और इसको राउंड अप करने से होता है 8,670 ठीक है ये होगा आपका जवाब तो सर नॉर्मल स्लैब में जब लिए थे तब कितना आया था आंसर 45,790 ये ट्रेडिशनल रूट से नॉर्मल स्लैब में ये था और 115 बीएसई में ये है तो सर क्या बोलोगे पूर्वी जी को कौन से अप्लाई करने के लिए बोलोगे सर 115 बीएसई 115 बीएसई में जाने के लिए बोलोगे ठीक है वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए रियल लाइफ में आपको जिसमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है इसमें आपको बहुत ज्यादा टैक्स पड़ रहा है सर तो फिर नॉर्मल स्लैब कौन यूज करेगा सर जिसका डिडक्शन ज्यादा हो अगर आपका बहुत सारा डिडक्शन है ना अगर आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता ना मजा आ जाता LIC में सेविंग सर्टिफिकेट में बहुत सारा है आपको पता है डिडक्शंस आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपको डिडक्शंस यूज करना है तो आपके लिए नॉर्मल स्लैब बेनिफिट दे देता सर लेकिन जहाँ डिडक्शन आपका कम है वहाँ पर आपको ये डिस्काउंटेड 115 बीएससी हेल्प करेगा लेकिन सर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले तो सर देखो जिसका MCQ क्वेश्चन है वो तो एज पर ऑप्शन देखे ठीक है करके देखे कौन सा वाला ऑप्शन वैरी कर रहा है जिसमें ज्यादा बेनिफिट वही ऑप्शन चूज करना चाहिए आपको ठीक है मतलब यही नॉर्मल आंसर है ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन में 115 बीएससी को इग्नोर करने बोलेगा तो आप इग्नोर करोगे अगर क्वेश्चन में 115 बीएससी में क्वेरी में कुछ नहीं बोला तो आप दोनों करोगे जो बेनिफिटेड है वो बताओगे और अगर MCQ है तो एज पर ऑप्शन काम करोगे ठीक है समझ में आ गया सर बात बोलो आई होप कि आज का क्लास बहुत ही फायदेमंद क्लास था है ना मैं आपको शुरू से बोले जा रहा हूँ कि ये वाला क्लास आपको पूरा आइडिया क्लियर करेगा टैक्स का ठीक है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन घर पे करने के लिए दे रहा हूँ टोटल इनकम का ठीक है आप घर में उसको एक एक करके क्वेश्चन करें ठीक है उसमें आपको सारा हेड का आइडिया भी मिल जाएगा अगर किसी का कोई हेड मिस है ठीक है मे भी हो सकता है लेट ज्वाइन के कारण या फिर मैंने नहीं करा पाया जैसे सैलरी अगर किसी का मिस है या फिर किसी का अगर बीपी मिस है सीजी मिस है हाउस प्रॉपर्टी मिस है मेरे से क्लास ले लो सर बोलो सर मुझे सैलरी क्लास सेंड करो मुझे बीपी क्लास सेंड करो मैं शेयर कर देता हूँ आपको आप जो भी आपका मिस है आप मेरे से क्लास ले लो क्लास लेके आप क्लास को कम्प्लीट करो और फिर टोटल इनकम कैलकुलेशन करना चालू कर दो टोटल इनकम पढ़ने का मतलब होता है कि आप टैक्स में ऑटोमेटिक रिविजन करोगे ठीक है बस यही मेरा विनती है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टोटल इनकम रिगार्डिंग और भी बात करूंगा ठीक है
क्योंकि और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है टोटल इनकम के अंदर है, और टीडीएस टीसीएस का भी और भी सारा एडजस्टमेंट है, लेकिन टीडीएस टीसीएस बेसिकली रूल है। मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा एक बार फिर से, एक क्लास दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं नोट शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज खुद से एक बार टीडीएस टीसीएस एडवांस टेस्ट को पढ़ लीजिए। इस्तेमाल कैसे क्या होता है मैं बता दिया, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएगा टीडीएस टीसीएस रिगार्डिंग, वो भी मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार खुद से गो थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको इस्तेमाल समझ में आ गया, यूज कैसे करना है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, नेक्स्ट वीक लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ क्लास शेयर करके जाऊंगा, ठीक है, जैसे टीडीएस टीसीएस का, रिटर्न फाइलिंग का, या टोटल इनकम का। अब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि आप लोग वो सब क्लास करें, जो होमवर्क में देखे जाऊंगे उसको भी घर पे सॉल्व करें। नेक्स्ट वीक कोई भी क्लास नहीं हो पाएगा, मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक मुझे थोड़ा कुछ पर्सनल रीजंस है, कुछ मेडिकल रीजंस भी है घर पे कुछ, तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा सर, लेकिन आप लोगों का सारा क्लास में देखे जाऊंगा, आप लोग क्लास करते रहिएगा, ठीक है सर। बस यही बात है मेरे को आपको, और कुछ नहीं, ठीक है सर, फिर आज इतना ही है। राक्षी दादा, ओके सर, टाटा, ओके सर, बाय सर, बाय सर।